सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आ गई हूँ मैं फिर से लेके एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो आप लोगों के लिए। आज का जो वीडियो है वो थंबनेल देख के आप लोगों ने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो यस, ये वीडियो होने वाली है कॉन्टेक्ट लेंस के ऊपर। बहुत सारे लोग आजकल क्या है कि कॉन्टेक्ट लेंस का जो है वो ट्रेंड चल रहा है, तो सभी लोग जो है कॉन्टेक्ट लेंस लगाना चाहते हैं एंड उससे हमारी आईज जो होती है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिखती है। सो काफ़ी लोग ये सोचते हैं एंड डरते हैं, घबराते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस हम कहाँ से परचेस करें और उसको कैसे यूज़ करना है एंड कितने टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे इसको कैरी करना है। सो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ कि कॉन्टेक्ट लेंस को आप कैसे रख सकते हो, कैसे उसको स्टोर कर सकते हो और अपने आईज पे कॉन्टेक्ट लेंस आप लोगों को कैसे लगाना है एंड कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद में आप लोगों को सबसे बड़ी बात, कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद में आप लोगों को सेफ्टी क्या क्या करनी है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं कि मतलब कॉन्टेक्ट लेंस, देखा भी होगा आप लोगों ने कॉन्टेक्ट लेंस किसी किसी की आँख में हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाओ तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जो कि पहली सावधानी ये है कि आप कॉन्टेक्ट लेंस को सबसे पहले अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लो, हैंड वॉश से, फिर इसके बाद आप कॉन्टेक्ट लेंस को लगाओ एंड कॉन्टेक्ट लेंस आप जो है 3 या 4 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। एंड कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद आप सो नहीं सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, फेस वॉश नहीं कर सकते एंड आप किचन में कोई भी काम आपको नहीं करना है कि जो आपकी आँखों पर इफेक्ट करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्या होता है, हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगा के क्या होता है किचन में काम करने चले जाते हैं तो उससे हमारे जो कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि छींटे उड़ते हैं हमारे जो खाना बनाएंगे हम लोग, तो वो छींटे हो सकते हैं कि हमारे कॉन्टेक्ट लेंस पर चला जाए, तो वो जो होता है प्लास्टिक टाइप का कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो आपकी आंखों पे चिपक जाएगा एंड आपकी आईज भी खराब हो सकती है, यहाँ तक आपकी रोशनी भी जा सकती है आंखों की। सो ये सारी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी पड़ती हैं एंड कॉन्टेक्ट लेंस लगा के आपको सोना नहीं है। एंड कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप लगाते हो तो मेकअप करने के पहले आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा लो फिर मेकअप करो। मैंने इसलिए मेकअप कर रखा है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, आप लोगों को दिखाना था कि कॉन्टेक्ट लेंस को कैसे लगाते हैं। सो इतनी सावधानियां थी जो आपको इसके लिए करनी पड़ती हैं। और जो कॉन्टेक्ट लेंस लगाना होता है वो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कॉन्टेक्ट लेंस का केस है, इसमें मैंने 2 कॉन्टेक्ट लेंस रख रखे हैं, इसमें अलग कलर के हैं, इसमें अलग कलर का है क्योंकि मेरे पास केस था नहीं तो इसलिए मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया। सो आप ये देख सकते हो, ये ग्रे कलर का है एंड इसमें जो है ब्राउन कलर का है। एंड हाँ, एक बात और, अगर किसी की आईज खराब है या तो फिर आईज में प्रॉब्लम होती है तो आप ये कॉन्टेक्ट लेंस जो होता है, क्योंकि ये 0 उसका है पावर का, ये आप यूज ना करें। उसके लिए अगर आपको कलर लेंस लगाने का शौक है एंड आपको चश्मा भी लगा हुआ है तो आप डॉक्टर की पहले सलाह लो, फिर इसके बाद जो कलर वो होता है वो आपके चश्मे के अकॉर्डिंग वो बन जाता है, फिर आप उसको यूज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप इसको बिल्कुल भी ना यूज करो अगर आपकी आंखें खराब हैं तो। सो एंड इसको स्टोर करने के लिए मैं स्किन लेंस का ये यूज करती हूँ, इसका वाटर जो है इसको इसमें डाल के आप वो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हमारी लेंसेज जो होती हैं वो अगर हम लोग मेकअप करते हैं तो हमारे लेंसेज पे काजल लग जाता है या तो गंदगी लग जाती है, तो उससे ये चीजें साफ हो जाती हैं। ये आप देख सकते हो, इससे क्लियर हो जाती है सारी चीजें एंड आपकी आईज को भी इफेक्ट नहीं करता है ये। सो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ इसको लगाते कैसे हैं। ओपन हो जाओ, ओपन नहीं हो रहा, ओपन हो गया। सो मैं इसको नीचे रख देती हूँ एंड आपको क्या करना है, आपको ऐसे अपने हैंड को वॉश कर लेना है एंड ऐसे अपने कॉन्टेक्ट लेंस को आप ऐसे निकालना, ऐसे इस टाइप से एंड ये वाली जो फिंगर होती है ये वाली, इससे आप लेना ऐसे, इससे आप ऐसे लेना, ओके एंड
हो गया, दैट्स इट। इतना इजी होता है, कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है कॉन्टेक्ट लेंस लगाना। एंड हाँ, इसको अगर आप फर्स्ट टाइम वियर कर रहे हो तो हो सकता है आपकी आंखों में इरिटेशन होगी एंड जलन भी होगा, आंसू तो निकलते ही निकलते हैं मेरे भी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट लेंस लगाती हूँ फिर भी मेरे आंसू निकल रहे हैं। कॉन्टेक्ट लेंस आप लगाओगे तो थोड़ी देर आपको आंसू निकलेगा, फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जलन भी करता है बहुत फर्स्ट टाइम जो लगाते हैं तो। आप इसको केयरफुली लगाना, ऐसे आप अपने टिप पे ऐसे करना, ऐसे टिप पे, फिर इसको हो गया, दैट्स इट। इतना इजी आप देख सकते हो। एंड इसको आप बिल्कुल भी लगा के सोना मत, एंड 4-5 घंटे से ज्यादा, 3 या 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे, इससे ज्यादा आप कॉन्टेक्ट लेंस को कभी भी वियर मत करना, नहीं तो आपकी आईज को इफेक्ट कर सकता है। सो गाइज, फाइनली आप देख सकती हो मैंने कॉन्टेक्ट लेंस अपने लगा लिए हैं। देख सकते हो आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। आजकल ट्रेंड भी बहुत चल रहा है। सो जहां तक बात है कॉन्टेक्ट लेंस को परचेस करने की, तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस दूंगी कि आप ऑनलाइन इसको बिल्कुल भी परचेस ना करें। ऑनलाइन आपको दिखाता होगा कि बहुत सस्ता है, आप सस्ते के ऊपर मत जाओ। जो भी चीज यूज करो वो अच्छा यूज करो एंड क्वालिटी हो सके क्वालिटी यूज करो। क्योंकि क्या होता है कि हमारी आईज होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, आंख ही नहीं रहेगी तो आप कॉन्टेक्ट लेंस कैसे लगाओगे। इसलिए आप कोशिश करो कि आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, वहाँ अपने आईज के हिसाब से सूटेबल कॉन्टेक्ट लेंस आप परचेस करो। वहाँ पे आपको कलर भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं एंड इसका आप ये वॉटर भी वहां से ले लेना, क्योंकि इसके बिना आप कॉन्टेक्ट लेंस को नहीं रख सकते, ये आपको खरीदना कंपलसरी है। सो इतनी ही बातें हैं जो कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में मुझे आपको बतानी थी। एंड अब जहां तक बात आती, कॉन्टेक्ट लेंस हमने लगा तो लिया, ठीक है, अब इसको निकाले कैसे, है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं आपको कॉन्टेक्ट लेंस निकाल के दिखाती हूँ कि इसको हम लोग कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी आईज से कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। ये मैंने वॉटर लिया हुआ था, इसमें मेरा वॉटर पहले से था, तो जो इसमें वाटर है ये आपको फेंक देना है। जितने भी आप बार यूज करो अपने वाटर को, आप रिफिल कर लो फिर से कंटेनर के अंदर। सो अब मैं इसको रिफिल करूंगी अपने कंटेनर पे, हो गया। एंड अब मैं आपको कॉन्टेक्ट लेंस निकाल के दिखाती हूँ, थोड़ा क्लोजली आके दिखाओ ताकि देख सके सब कैसे कॉन्टेक्ट लेंस को निकाल सकते हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको ऐसे पकड़ना है, दैट्स इट, बस ऐसे निकालना है आपको। एंड इसमें आपको स्टिकर देनी है, इसको ऐसे करना है, बस हो गया, इतना सा काम है, बस इतना करना है आपको। एंड याद रखना कि इसको हर बार आप चेंज करते रहना, जो इसका वो होगा वाटर होगा। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में। अगर आप लोगों की ये वीडियो जरा सी भी अपनी यूजफुल में लगी है, यूजफुल लगी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हो तो कैसे लगाते हो एंड इसको कैसे आप कंटेन कर सकते हो, कैसे रख सकते हो। एंड कुछ लोगों की ये माइंड में ये भी चलता होगा कि मतलब मैंने भी जब स्टार्टिंग में कॉन्टेक्ट लेंस लगाना स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में भी ये चीज चलती थी कि मतलब एक कॉन्टेक्ट लेंस को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं एंड कब तक उसको रख सकते हैं। तो जो होता है कॉन्टेक्ट लेंस, उसमें तो ऊपर से लिखा रहता है कि आप इसको 1 मंथ तक यूज कर सकते हो, बट मुझे जहां तक लगता है कि मेरा जो कॉन्टेक्ट लेंस है वो लगभग मुझे 6 या 7 महीने हो गए हैं। मेरे कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल ही सही है, कुछ डैमेज नहीं हुआ है। बस आपको ये करना, अगर आपके कॉन्टेक्ट लेंस को आप अच्छा रखना चाहते हो तो उसके आप वाटर आप चेंज करते रहो एंड आपका कॉन्टेक्ट लेंस चलता है, बस उसको क्लियर करके रखो आप। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो एंड इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। सो
जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड साइड में आ रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइस।